मीठा नहीं खा सकते तो हम तुम्हें नमकीन चखा देते हैं दूल्हे राजा। अब आए तुम्हारे असली ससुराली। अरे भाई ये क्या हो रहा है, इस मासूम को क्यों लेके जा रहे हैं आप? अरे खातून, शुक्र भेजिए कि आपकी बच्ची बच गई, वरना जिसकी आप मासूमियत की बात कर रही है ना, ये हकीकत में क्या है पता है आपको? ये डाकू है। डाकू दूल्हा? ये क्या कह रहे हैं आप? अपना मुंह बंद रखें, मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे आप किसकी बातें सुन रहे हैं, आप इसको अरेस्ट कीजिए। भाई स्टार करो से। चलो प्लीज, इनको नहीं लेके जा सकते, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए इनको। सर मुझे आपसे बात करनी है। सर मेरा हनान के साथ निकाह हो चुका। मैं हनान के बारे में एक एक बात जानती हूँ। मुझे ये भी पता चल चुका है कि हनान अब सुधर चुका है। हनान अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली मुझसे। वो मेरे साथ जिंदगी जीने के ख्वाब देख रहा है। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। मैं तो तुम्हें बेटा बचाने आया हूँ। प्लीज, हनान ने भी मुझे एक दफा ऐसे ही किसी इंसान से बचाया था, जिस इंसान ने पता नहीं कितनों की जिंदगियों को दांव पर लगा कर रखा हुआ था। मैं हकीकत से लाइल बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सर वो हनान का माजी था। खुदा भी अपने बंदों को माफ करते थे। सर आपको खुदा का वास्ता, हनान को माफ कर दीजिए, भूल जाएं ये सब बातें। प्लीज हमें, प्लीज हमारी जिंदगी सुकून से जीने दीजिए। प्लीज, मैं तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सर प्लीज, हनाना आगे मत आना वरना मैं गोली मार दूंगी। तुम्हारी मोहब्बत में मर तो चुका हूं, अब ये गन ये किस काम की? अम्मा ये मेरा माजी था, तुम मेरा आज और मेरा कल, सिर्फ तुम हो।
चाहता हूँ हम दोनों मिलकर ना खूबसूरत जिंदगी का आगाज करें। हनान, अगर तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मोहब्बत करना तो सिखा ही दिया है, अब सच्चाई के रास्ते पर चलकर दिखाऊंगा। खाली है ये, पागल, घर में फुली लोडेड गन रखूंगा।